जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कर चुके हैं हम लोग, और आज आपका ये 10th क्लास है, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप्स अलग हैं और वो अलग तरीके से काम करते हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो उस टाइम पे आपको डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो उससे बेटर तो ये है कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और ध्यान से उसको समझ के रखें। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को चेक नहीं किया है तो एक बार जाके ज़रूर चेक करें। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया मैं अपने फोल्डर के अंदर, और किसी भी फाइल को आप कॉपी कर ले जो आपने पिछले में क्रिएट किया है, और इसको मैं नेम दे देता हूँ डेटा टाइप्स, एंटर प्रेस किया, और इसको हम एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेंगे नाउ। और इसके अंदर जो भी हमारा कोड है उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये पिछली फाइल का है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेस समझाना चाहूँगा डेटा टाइप्स का, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सो बात करें अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स की, तो सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास है यहाँ पे वेर एक्स। वेर का मतलब वेरिएबल, मैंने आपको लेट कॉन्स्ट वगैरह बता दिया है लास्ट के दो लेक्चर्स के अंदर, तो फिलहाल के लिए मैं आपको वेर के थ्रू समझाने वाला हूँ। एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, उसके बाद मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है साइबर वॉरियर्स, ये बन जाएगा स्ट्रिंग, जहां भी आप डबल कोट्स लगा देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगल वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है, स्पेस के साथ है, इकलौता सी लिखा है आपने, कोई कैरेक्टर लिखा है, वन लिखा है, टू लिखा है, स्टार लिखा है, सिंगल कोट भी अगर आपने लगा रखा है डबल कोट की जगह, जहां पर ये कोट्स आ गए, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो स्ट्रिंग है, और मैक्सिमम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के अंदर उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम वेरिएबल एक्स, अगर आप इसके अंदर स्टोर करेंगे 25, तो इसका जो टाइप बन जाएगा वो हो जाएगा डेटा टाइप नंबर, कि ये नंबर है। लेकिन अगर आप इस 25 को सिंगल कोट या डबल कोट्स में लगा दोगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। आप कहेंगे स्ट्रिंग प्रैक्टिकल में तो ये प्रिंट तो सेम होगा, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा उस टाइम पे कि डिफरेंसेस क्या है। थर्ड है हमारे पास ट्रू, अगर आप वेयर एक्स की वैल्यू ट्रू लिखेंगे तो ये बूलियन बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। जावा के अंदर स्पेशली इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जब मैंने जावा वगैरह की ट्रेनिंग की हुई थी बहुत सालों पहले, 3-4 साल पहले, तो ये आपका ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, और ये अगर आपने दिया है तो डेटा टाइप आपका बूलियन है। वेयर एक्स, और अगर आप उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे और कुछ ऐसा लिखे HTML कॉमा CSS कॉमा JavaScript, सिंगल भी रख सकते हैं आप डबल कोट लगा के, ये हमारे पास तीन अलग एरे के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एरे है एक, तो ये हो गया हमारे पास एरे, नॉट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप कुछ कर्ली ब्रेसेस लगा के फर्स्ट कोलन डबल कोट्स के अंदर साइबर डबल कोट्स बंद कॉमा लास्ट, बेसिकली फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप इसको ट्रीट कर लो, तो ये बन जाएगा एरे का ऑब्जेक्ट। साइबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है, वॉरियर्स लास्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप एक्स को असाइन कर देंगे नल, तो ये बन जाएगा, इसका डेटा टाइप भी बन जाएगा नल, मतलब कोई वैल्यू भी नहीं है और डेटा टाइप भी नहीं है। अगर आप एक्स को डिफाइन कर दोगे या कुछ डिफाइन करोगे ही नहीं, अगर आप एक्स को खाली छोड़ दोगे, इक्वल टू नहीं लगाओगे, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा कि भाई मुझे नहीं पता ये कौन सी डेटा टाइप है, इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, क्योंकि करंटली हमने उसको खाली छोड़ रखा है, तो ब्राउजर इसको समझ नहीं पाएगा वो क्या चीज़ है, तो ये आपको अनडिफाइंड बोल देगा। आप मेरे सोशल मीडियाज़ पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिंक मेंशन है। सो अब फटाफट देखिए, अगर हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ, तो प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसके अंदर बेसिक टैग लगा के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, और यहां पे मैं उसको करता हूं अप्लाई, तो यहां पे हम लगा देंगे स्क्रिप्ट टैग
स्क्रिप्ट टैग के बाद मुझे करंटली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे हम अपना सारा का सारा कोड। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाना है मुझे, कौन सा वेरिएबल, एक्स नेम से एक वेरिएबल चाहिए मुझे, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है साइबर वॉरियर्स, जिसको मैंने डबल कोट्स दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा कि x की जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट करे। अगर हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ साइड में रख दूँ, दोनों को साथ साथ हम लेके चलेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे साइबर वॉरियर्स प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल कोट कर देते हैं और मैंने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो भी हमारे पास सेम मैसेज है। तो आप सिंगल कोट लगाए या फिर डबल कोट लगाए, डजंट मैटर, वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कराया था कि हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं, तो मैं ओवरराइट करने जा रहा हूं इसकी वैल्यू को। तो यहां पे मैंने कर दिया x, आप चाहें तो ऊपर वाला डिलीट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको कह दिया x इक्वल्स टू, और अब मैंने x के अंदर रख दिया 40। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि ये किस टाइप का है। अब मैंने तो आपको कह दिया स्ट्रिंग है, क्या प्रूफ है? क्या जावास्क्रिप्ट खुद ये कह रहा है? नहीं कह रहा है, तो मैं बता रहा हूं, तो आप आंख बंद करके ऐसे भरोसा तो कर नहीं सकते। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको प्रूफ दिखाता हूं। सो यहां पे मैंने इस लाइन को कर लिया कॉपी, और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप और ऑफ के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, और हमारा वेरिएबल है एक्स। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रिंग बता रहा है। और मैं यहां पे एक बार और इसे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे लगा देते हैं हम लोग HTML का एक टैग ब्रेक, आप कैपिटल्स में लिख सकते हैं, HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो वो नीचे आ गया कि भाई साइबर वॉरियर जो सिंगल कोट या डबल कोट में है वो स्ट्रिंग टाइप का है। सिंगल कोट तो टेस्ट हो गया, डबल कोट को भी एक बार टेस्ट कर देते हैं हम लोग फटाफट, तो वो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां से। अब मैं इसको कर रहा हूं ओवरराइट, और मैंने x को असाइन कर दिया 40, सेमीकोलन दिया मैंने, तो 40 प्रिंट हो गया आपके पास, और इसका टाइप क्या है? नंबर। डजंट मैटर आप 40.5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, वो ट्रीट नंबर ही होगा। लेकिन अगर आप इसको सिंगल कोट कर देंगे या फिर डबल कोट कर देंगे, तो आप कलर से ही पहचान चुके होंगे कि ये वाला कलर मैच हो गया, इट मींस ये बन गया स्ट्रिंग। अब आप कहेंगे कि भाई प्रिंट तो सेम ही हो रहा है, 40.5 तो दोनों केस में प्रिंट हो गया, आप चाहे कोट्स लगाओ ना लगाओ, तो आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। क्या साइबर वॉरियर्स प्लस साइबर वॉरियर्स को ऐड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन 40 प्लस 40 को ऐड किया जा सकता है ना। लेकिन अगर आप उसको नंबर से हटा के स्ट्रिंग बना देंगे, तो 40.5 में और साइबर वॉरियर्स में डिफरेंस क्या रह गया? दोनों स्ट्रिंग बन गए ना, तो आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे ड्रॉबैक है। तो मेक श्योर आप नंबर्स में ऐसा ना ही करें। नेक्स्ट, मैंने एक्स को कर दिया फॉल्स या फिर ट्रू। तो अब अगर मैं आपको चेक कराऊं, तो प्रिंट हो गया ट्रू, और डेटा टाइप बन गया इसका बुलियन। मैंने इसको कर दिया फॉल्स, सेव किया, तो स्टिल वो बुलियन रहेगा, तो यहां भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब मैं बनाता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां पे मैंने डबल कोट्स लिया, बाहर आया कॉमा, फिर डबल कोट लिया, बाहर आया कॉमा, ठीक है। अब हम इसको वैल्यूज देते हैं, तो सबसे पहले अंदर लिख दिया मैंने HTML, इसके अंदर लिख दिया मैंने CSS, और इसके अंदर लिख दिया मैंने JavaScript, और सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे HTML, CSS, JavaScript आ चुका है। और मैंने आपको एरे बताया था प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। JavaScript के अंदर वो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही शो करता है, और एरे को भी एरे ही शो करता है, लेकिन है वो एरे, प्रिंट वो ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया मैंने इसको, और यहां पे दिया मैंने नेम कोलन डबल कोट्स, बाहर आके आपने कर दिया इसको नीचे कॉमा, देन स्टेट कोलन डबल कोट्स, ठीक है, आप चाहें तो और भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेम में दे दिया मैंने यहां पे
और स्टेट दे दिया मैंने यहां पे और सेव किया। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे वो एरे नहीं बता रहा, यहां ना तो वो मेरा नाम दे रहा है और ना ही स्टेट दे रहा है, यहां पे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का तरीका अलग है, आने वाले ट्यूटोरियल्स में जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझ ले। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम ही है वो रिजल्ट, आपको सेम देगा, एंटर प्रेस करने से कुछ नहीं होता। सो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप्स थे जो हमें इन फ्यूचर यूज करना है, और मैं चाहता था कि पहले आपको यही करा दिया जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं और क्या है उनके प्रैक्टिकल्स। मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, वो मुझे कमेंट करके बताएं। पिछले दो दिनों से मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। और मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, यहां पर जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट रेडी है, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए रेडी किया है मैंने, पीएचपी कॉलेज स्कूल प्रोजेक्ट करना है आपको, वेब डेवलपमेंट करना है, एचटीएमएल सीखना है, यूट्यूब जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाए, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो करना कुछ नहीं है, बस प्लेलिस्ट को भी एक बार चेक कर लेना है और सब्सक्राइब करके रखना है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ ऐसा कमेंट है आपका जो मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं कर पाता आपका डाउट, तो आप लिंक लेके मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर मैसेज करें और मैं एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूंगा कि मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।